आप भी चाहते हो कि अपने क्लाइंट्स के लिए कुछ अगर आप कर रहे हो क्रिएट किसी भी ब्रांड के लिए, तो वो ब्रांड का आप जो है चाहते हो कि अपने डिजाइंस के थ्रू एक आइडेंटिटी क्रिएट कर पाओ, इसके लिए हमें कंसिस्टेंट बेसिस पे कंटेंट क्रिएट करने के लिए ज़रूरत होता है हमें एक ब्रांड किट का। अब ब्रांड किट ये होता क्या है? बेसिकली ये ब्रांड किट है जिसमें तीन चीज़ें मेन रूप से आती है। फर्स्ट लोगो आपका जो है ब्रांड का, दूसरा जो आप अपने ब्रांड के टेम्पलेट्स के लिए डिजाइन्स के लिए कलर पैलेट्स यूज कर रहे हो, और तीसरा चीज जो आपने ब्रांड के लिए फॉन्ट सिलेक्शन किया है। ये तीनों चीज़ जो है एक मिल करके एक ब्रांड किट तैयार करता है जो कि आपको कंसिस्टेंटली जो है हर एक डिजाइंस में आपको यूज करना होगा। डिजाइंस में मोर अक्रॉस ऑल द प्लेटफॉर्म्स किसी भी तरीके का आप जो है ग्राफिक्स क्रिएट कर रहे हो, लेकिन ये तीनों चीज़ें जो है एक कॉम्बिनेशन के तौर पे अगर हर एक डिजाइंस में आपको दिखती है तो ये एक ब्रांड रीच आपका बढ़ाता है, ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाता है। अब इसे क्रिएट कैसे करना है तो बहुत ही आसान है, वही मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम आपको आज दिखाएंगे कि कितना आसानी से आप कैनवा में ब्रांड किट अपना तैयार कर सकते हो। तो आ जाते हैं हम अपने स्क्रीन की तरफ, और इधर देखिए कि आपने canva.com साइन कर लिया है। जैसे ही आपको जस्ट स्क्रॉल करोगे लेफ्ट साइड पे तो आप देखोगे टूल्स के सेक्शन में आपको ब्रांड जो है ऑप्शन दिख जाएगा। ये इस पर क्लिक करोगे तो आपको दिखाई देगा ये ब्रांड किट के अंदर, ये आपको जहाँ पर शो कर रहा है ब्रांड किट के अंदर, ये देखो कि आप क्या क्या तीन मेनली तीन चीज़ें जो मैंने आपको बताया, ब्रांड लोगो जो कि आप यहाँ पे अपलोड करना है आपको ब्रांड लोगो को, और ब्रांड कलर पैलेट्स, ठीक है, और ये ब्रांड फॉन्ट्स। आपने जो भी जो है फॉन्ट्स का कलेक्शन अपना किया है कि एक सेम सेट जो है फॉन्ट्स आपको हर एक डिजाइन में आपको यूज करना है वो चीज़ें, तो यहाँ पे आपको अपलोड कर लेना है जो कि आप बार बार अपने डिजाइन्स के लिए यूज करोगे, अपने लोगों को अपलोड कर लेना है। उसी तरीके से यहाँ पे मैंने जो देख रहे हो आपकी जो कलर पैलेट मैंने क्रिएट किया है, तो चूंकि आपको एक लिमिटेशन है, ये यहाँ पे जो क्राउन दिख रहा है वो प्रीमियम वर्जन के लिए है। अगर मैं यहाँ पे लोगो ऐड करना चाहता हूँ तो आपको कैनवा प्रो वर्जन आपके पास होना ज़रूरी है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे मैं इसे अपलोड नहीं कर सकता हूँ लोगो इसमें। लेकिन ब्रांड कलर जो कि मैं अपने अपने डिजाइन्स में कलर यूज करना चाहता हूँ, तो वो फ्री वर्जन में तीन जो है कलर का चॉइस दिया गया है। अब इसे मैं चाहूँ तो देखो इस तरीके से मैं अगर इसे हटा देता हूँ तो देखो कि तीन जो दिया गया उसमें से एक मेरे पास चॉइस अवेलेबल हो चुका है। तो आपको सिंपली इसी तरीके से आपको प्लस आइकन पे क्लिक करना है और आपका जो भी जो है कलर का ब्रांडिंग आप रखना चाहते हो ब्रांड कलर, वो आपको कोड इस पर पुट करना है और ये आपका सिलेक्ट हो गया। जैसे यहाँ पे आ गया ये कलर, अब यहाँ पे मैं कुछ भी कलर चाहता हूँ तो ये इस तरीके से हो चुका है। तो ये जो है 3 दिया गया है, बेसिकली आपको 5 दिया जाएगा या फिर और उससे ज़्यादा अगर आपके पास प्रो वर्जन है तो आप कलर मल्टीपल कलर और यूज कर सकते हो। सेम तरीके से यहाँ पे ब्रांड फॉन्ट्स है, इसमें भी जो है ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट, ये जो मैंने सेलेक्ट ये अपना ब्रांड का मैंने ये क्रिएट नहीं किया है, ये बाय डिफ़ॉल्ट है यहाँ पे। अगर आपके पास कैनवा प्रो अकाउंट है तो आप ये जो क्राउन जो शो कर रहा है सारे सेक्शंस पे वो शो आपको नहीं करेगा। आप यहाँ पे किसी भी तरीके का जो है फॉन्ट्स जो कैनवा में अवेलेबल है या फिर आप एक्सटर्नली उसे इम्पोर्ट करके आप यहाँ पे ब्रांड किट में ऐड कर सकते हो। अब इसका फ़ायदा क्या है आपको हम ले चलते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे ये जो मैंने टेम्पलेट क्रिएट किया, ठीक है, तो ये मैं चाह रहा हूँ कि ये अपना ब्रांड कलर मैं खुद का शो करूँ, तो यहाँ पे देखो कि ऑलरेडी यहाँ पे आपके जो फॉन्ट्स जो हैं ब्रांड फॉन्ट्स और कलर पैलेट दोनों इस तरीके से शो कर रहे हैं। अगर यहाँ पे लोगो आप अपलोड करके रखोगे तो लोगो भी शो करेगा। तो बेसिकली ब्रांड किट के अंदर क्या है कि एक किट के अंदर क्या होता है ना कि किसी भी काम के लिए हमें जो भी चीज़ें जो बार बार रिपीटेड जो यूज होने वाले हैं उसे एक जगह कलेक्शन बना करके रख लेते हैं। आपको बार बार जो है सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा कौन सा कलर कोड है, क्या है, कौन सा फॉन्ट का नाम है, वो आपको बार बार याद रखने की ज़रूरत नहीं है, किस ब्रांड के लिए आपने कौन सा फॉन्ट और कलर चूज किया है, वो आपको सब एक जगह आपको ईजी करके मिल जाएगा। अब आप देखोगे कि ईजी कैसे होता है, जैसे मान लो कि मैंने ये टेम्पलेट जो है क्रिएट किया, या फिर लेट्स से कि ये जो टेम्पलेट मैंने क्रिएट किया, ठीक है,
अब इसे चाहता हूँ कि मैं अपने ब्रांड कलर से रिप्लेस कर दूँ, तो सिंपली इस पर मैं क्लिक करूँगा अपने ब्रांड कलर पे, ये कलर पैलेट पे, और आप देखोगे कि ये कलर बस आपका चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से आप जो है एक ब्रांड किट तैयार कर सकते हो कैनवा में, जिसके लिए कि आपको कैनवा प्रो अकाउंट होना ज़रूरी है। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा है, और लगा है तो प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना भूलें। मिलते हैं हम आप फिर से एक बार नए कमाल के वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Oh,